पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई मुद्रा का पूरा स्वरूप क्या है, मतलब मुद्रा जो है भारत का उसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ओके, तो याद रखिएगा कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस निजी बैंक ने पहली बार अपने ग्राहकों के लिए बायस पासवर्ड सेवा की शुरुआत की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल का चयन कौन करता है। तो बैंकिंग लोकपाल का जो चयन करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य क्रूड ऑयल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा, बचत खाते में जमा के लिए ब्याज का निर्धारण कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा खाता जिसमें शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीमैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाते में प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी धनराशि तक निवेश किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपीस। अगला है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये तैयार की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगर दोस्तों IMF का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक निवेश की सीमा कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपी। अगला है, वह सुविधा जिसके अनुसार खाताधारक की मृत्यु के उपरांत उसके खाते की राशि उसके द्वारा मृत्यु पूर्व निर्देशित व्यक्ति को मिलती है क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है नॉमिनेशन। अगला है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं किस कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। तो ये हो जाएगा BNP परिवास इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, ICICI का विस्तृत अर्थ क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है गाइस वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा व्यवसाय की नियामक संस्था कौन है। तो ये है IRDA। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कौन सा देश विश्व का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया है। तो ये हो जाएगा भारत। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु स्कीम के अंतर्गत अधिकतम कितने लोन की स्वीकृति दी जाती है। तो ये हो जाएगा 50,000। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग क्षेत्र में धोखेबाजों द्वारा क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है स्कमिंग। अगला क्वेश्चन है, चेक गणराज्य की मुद्रा है। तो ये है चेक क्रोन। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये लगभग हर एग्जाम में आता है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो Washington DC में है। अगला है, सीमांत राजस्व क्या होता है। तो सीमांत राजस्व जो होता है वो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लक्ष्य है उसका लक्ष्य है गाइस लघु उद्यमियों को
औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है हमारा, भारत में बैंक ऋण दर का निर्धारण किस मापदंड के आधार पर करती है? तो ये हो जाएगा आधार दर के आधार पर मापदंड करती है। अगला है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों ये टोटल होते हैं अंक 11 अंक। जैसे कि आपको किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो दोस्तों आपको IFSC कोड भी चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ओके अगला है, वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था, तो वो था सामूहिक कर का। अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये भी है वाशिंगटन DC में। ओके अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो ये हुई थी 18%। अगला है, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो बैंकिंग लोकपाल होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो करती है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब RBI। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था, तो वो था सामूहिक कर, जो कि मैंने आपको एक बार रिपीट कराया क्वेश्चन। अगला है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। अगला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो सदस्य बना था ये बना था सन 1945 में। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, तो वो हो जाएगा UT बैंक। अगला है, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंक ऋण दर का निर्धारण किस मापदंड के आधार पर करती है? तो ये आधार दर के आधार पर करती है। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, ओके मतलब FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है, प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करते हैं, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे विशेष आहरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया वर्ष 1986 में। अगला है, सेलवन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये हो जाएगा BSNL। अगला है, प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये हो जाएगा महबूब उल हक को। अगला है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? ये है स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति से। अगला है, यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूलह्रास क्या होगा? तो मूलह्रास जो होगा गाइस वो हो जाएगा शून्य। अगला है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित
जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी जाती है? तो ये दी जाती है विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड वन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस प्रकार का एक वार्षिक प्रकाशन है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ओके, अगला है, कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो UNDP ये प्रकाशित करता है मानव विकास रिपोर्ट। अगला है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है पेरिस में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है? तो गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट पारित करता है वो महासभा पारित करता है। अगला है, विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक जो है वो टोटल 5 संस्थाओं का समूह है। अगला है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का मात्र संगठन है? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक का मात्र संगठन है। अगला है, वर्तमान में यूरोपीय समुदाय के टोटल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूरोपीय समुदाय के टोटल 28 कैंडिडेट हैं। ओके, अगला, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1999 से। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है, मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर जो प्रभाव पड़ता है वो किस कारण होता है? कि आयात महंगा और निर्यात जो होता है सस्ता हो जाता है। ओके, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन, ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, ये किया था कीन्स ने। अगला, सेनबेट का संबंध किससे है? तो सेनबेट का जो संबंध है, रिलेशन है, वो है उत्पाद शुल्क से। अगला है, ICICI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1955 में। नेक्स्ट है, DDP का संबंध है, तो DDP का जो संबंध है वो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। तो या हम कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है DDP का, तो वो हो जाएगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम, या कह सकते हैं डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है, उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो गाइस, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। ओके, अगला है, भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अफीम का उत्पादन करने वाला राज्य भारत का है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा संचालित होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1972 से 1973 में। अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 में। अगला है, भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, तो क्या है? इंटक। अगला है, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है, तो श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो ये होती है
संसद की अनुमति से। अगला है, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को कहते हैं, तो वो कहते हैं बफर स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा, बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है, तो भारत में मुद्रा स्फीति जो मापी जाती है वो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। अगला है, भारत ही में किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो दोस्तों भारत में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगला है, देश से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है, तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है, तो ये किया जाता है इंग्लैंड को। अगला है, भारत को किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है, तो ये होती है चाय से। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान किया है, तो ये हो जाएगा टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है, तो ये होता है OPEC। अगला है, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया दाहेज में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको OPEC का मतलब बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। अगला है, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा OPEC से। इसी का आपको अगला क्वेश्चन गाइस बनता है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ पर व्यय की जाती है। अगला है, भारत के विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा, IPCO मतलब IFFCO क्या है, तो ये दोस्तों है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर आ जाता है कि IPCO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1949 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है, इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये करते हैं वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आयु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं स्टेट ड्यूटी। अगला है, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा उदार ऋण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एड वैलोरम टैक्स। अगला है, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मंदड़िया। अगला है, राष्ट्रीय नवीकरण निधि NRF किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी, तो ये की गई थी उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकरण। अगला है, भारतीय
औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी जुलाई 1964 को। अगला है क्वेश्चन, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ करने को कहते हैं? तो ये कहते हैं वस्तु विनिमय समव्यवहार। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में सबसे बड़ा अंशधारक है? तो ये है केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम कैश नामक धन हस्तांतरण विकल्प किस बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन किसकी सहायक कंपनी है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक की। अगला है, हाल ही में प्रारंभ हुआ बंधन बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो ये है अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक। अगला है, भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो किसान विकास पत्र। ओके, अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, मुद्रा स्फीति का आवश्यक गुणधर्म है? तो मूल्यों का बढ़ना, ये है मुद्रा स्फीति का आवश्यक गुणधर्म। अगला है, भारत का सर्वाधिक मात्रा में आयात माल का प्रबंधन करता है? तो ये करता है मुंबई पोर्ट। अगला है, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1957 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था से आशय उस अर्थव्यवस्था से है जहां आंसर हो जाएगा ना निर्यात ना आयात होता है, ये होती है बंद अर्थव्यवस्था। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो राष्ट्रपति को वित्त संबंधी मामलों में सलाह देता है। ओके, अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है संसद की। अगला है, आर्थिक निकास के सिद्धांत को प्रसिद्धि मिली थी तो किसके द्वारा मिली थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2015 में कौन सा बैंक मुद्रा कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना था? तो ये बना था कॉरपोरेशन बैंक। अगला है, विश्व आर्थिक मंच ने मानवीय पूंजी सूचकांक की वर्ष 2015 की रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा? तो ये रखा 100वें स्थान पर। अगला, किस क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे लघु बचत योजना में शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत जमा। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो स्थित है वो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला है, आर्थिक नियोजन विषय है तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वो संघ सूची का है। नेक्स्ट, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है, जैम ट्रिनिकी की चर्चा किस संदर्भ में होती है? तो सब्सिडी के हस्तांतरण में होती है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो ये हैं मौद्रिक नीति का अंग हैं। अगला है, भारतीय की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अगला है, भारत की कुल मुद्रा में 1 रुपए के सिक्के का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2.3%।
अगला है रेलिंग प्लान सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जनता सरकार ने। ओके नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित समिति है, तो ये कौन सी समिति है, भंडारी समिति 1994 की। अगला है भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है, तो दोस्तों ये आता है ओपेक, इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म। अगला है भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारतीय महिला बैंक। अगला क्वेश्चन है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। अगला है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये है राष्ट्रीय आय। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आयात निर्यात बंद, या मतलब ना तो आयात हो ना ही निर्यात हो, ये होती है बंद अर्थव्यवस्था। अगला है NAFDC मतलब नेफेड किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि से। और दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म भी बताना है नेफेड का कमेंट में। ओके अगला है किसने भारत में पहली बार व्यय पर लगाने का सुझाव दिया था, तो ये दिया था कालडार ने। अगला है संपदा कर भारत में पहली बार कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1957 को। अगला है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा किस वर्ष प्रभावी हुआ, ये हुआ था 2000 सन को। ओके अगला एस्चुरीज शब्द किससे संबंधित है, तो ये है बीमा शब्द से संबंधित है। अगला है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। ओके अगला क्वेश्चन है भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो ये है ग्रामीण बैंकिंग से रिलेटेड है। अगला है भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है, तो इनसाइड ट्रेडिंग जो संबंधित है वो है शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष क्या है, तो ये है जुलाई जून। ओके अगला क्वेश्चन है भारत में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत में भविष्य निधि किस प्रकार की बचत है, तो ये है संविदा आधारित। ओके ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिस क्वेश्चन का मैंने फुल फॉर्म पूछा है, जिन चीज़ों का फुल फॉर्म पूछा है, उसको आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके तो आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद आपका।